हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे ड्राइंग, आज हम करेंगे ड्राइंग। ओके, तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है, स्केचेस। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पहले ये जो आप देख रहे हो लाइनिंग, तो आपको पहले क्या होगा कि स्किल ऑफ लाइनिंग ड्राइंग ड्राइंग डेवलप। ओके, तो आपको जब ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो पहले तो आपकी जो लाइन है वो ठीक से होनी चाहिए। इसलिए ओके, आप हम जब भी कोई ड्राइंग स्टार्ट करती है तो बुक में पहले क्या होता है, ऐसी वाली लाइनिंग हमें सिखाई जाती है ना, ताकि हमारी जो लाइन होती है, फिर कुछ वेव्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, तो वो पहले हमें परफेक्टली सीखना होता है, तब भी हमारी आगे जाके ड्राइंग परफेक्ट होगी। ओके, तो पहले हम ये वाला सीखेंगे जो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग में कुछ लाइंस दिए हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे इस तरीके से स्केल रखेंगे और इस तरीके से हम पहले लाइन बना लेंगे। तो पहले हम स्केल से लाइन बनाएंगे और पेंसिल बहुत ही लाइटली आपको चलानी है। ओके, तो ये जो हमने बना ली, तो अब हमें बॉक्स बनाने के लिए स्लिपिंग बनानी होगी। तो अब हम यहाँ पे, तो जो ये स्लिपिंग लाइन हमें बनानी है, तो बॉक्स का पहले हमें माप लेना होगा। तो ये बॉक्स जो मतलब ये है, तो कितने इंच का है। ओके, तो ये जो हम यहाँ पे हमें नंबर दिखा दिया, तो ये वन नंबर तक ये आता है। ओके, तो ये हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और पहले हम मार्क बना लेंगे, फिर सेकेंड हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे मार्क बनाएंगे, फिर थर्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ओके, तो ये हमने कर लिया, अब हम लाइन बना लेते हैं। आप सामने की तरफ भी ये मार्क बना सकते हो। ओके, तो हम सामने की तरफ भी एक मार्क बना लेते हैं ताकि दोनों के साइड सेम हो जाए। तो यहाँ पे भी हमने मार्क बना लेते हैं, फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे हो गया। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो बन गई हमारी ये बॉक्स। अब हमें क्या करना है, तो पहले ये है स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग, फिर उसके अपोजिट जो नीचे आएगा वो होगा स्लीपिंग। ओके, तो पहले हम कितनी लाइन ड्रॉ की है उसने, 1, 2 एंड 3। तो हमें यहाँ पे 3 करनी होगी। तो पहले हम स्टैंडिंग लाइन बना लेते हैं, तो फर्स्ट बॉक्स में एंड थर्ड एंड लास्ट। ओके, सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, अब है थर्ड वाली लाइन। ओके, तो ये हमने फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ वाले बॉक्स में लाइन ड्रॉ कर लिए, अब वैसे ही बाकी के बॉक्स में। आपको आप अपनी मम्मी या पापा की भी हेल्प लेके ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको, जब तक आपकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको अपनी जो पेंसिल है वो लाइटली चलानी है।
ये बन गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। ओके, फिर यहाँ पे भी बना लेते हैं, यहाँ पे लाइन बनेगी सेकंड बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स में। ओके, सेम वैसे ही हम यहाँ पे यहाँ पे हमने बना ली। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट हो गई। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग। ओके, फिर ये जो है वेव है, इसे क्या कहते हैं, ये जो पानी की तरह ऐसे होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेव। तो पहले हम ऊपर नीचे इस तरह के आपको वेव्स बनाने हैं। पहले आपको बहुत ही लाइटली बनाने होंगे, फिर आप उसी हिसाब से आप बाकी के वेव्स भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे का वेव्स रख सकते हो। यहाँ पे पहले ये वाला जो नीचे पोर्शन दिया है, नीचे की तरफ वेव्स दिया है, तो मैंने पहले ऊपर की तरफ वेव्स दिया है। ओके, तो आप अपनी तरफ तरीके से वेव्स ले सकते हो। फिर यहाँ पे है ट्रायंगल, इस तरीके से दिया है। तो ये आप कैसे करोगे, तो पहले तो आप क्या करोगे कि ये जो बीच वाला है ना, तो आप इसका माप इस तरह से लेके आप यहाँ पे बहुत ही लाइटली ऐसी लाइन बना लेना। ओके, बहुत ही लाइटली, तो आपको बाद में इरेजर करना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको पहले क्या करना होगा, तो पहले हमें इस तरह की लाइन बना लेनी है, फिर बाद में इसको अपोजिट में बनाएंगे, फिर सेकंड इस तरफ से। ओके, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम इसे भी क्रॉस में लाइन बना रहे हैं, ये है क्रॉस लाइन। ओके, ये हमने क्रॉस लाइन बना ली। फिर ये अपोजिट में हमें इस तरह से बनानी है, जो इसका यहाँ इस लाइन का यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, तो वहीं से लेके हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ से यहाँ तक, ओके, देखा, तो वैसे ही हमें ये कंप्लीट करना है। जो इसके बीच का गैप है वो हमें पहले देखना है, फिर हम लाइन बनाएंगे। तो ये हम पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे इसी से लाइन बना रहे हैं क्रॉस। ओके, अगर आपको क्रॉस लाइन नहीं आती है तो आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को भी हेल्प ले सकते हो। ओके, और जब जगह बचती है तो आप अपने हिसाब से ऐसे क्रॉस लाइन बना लो। फिर वैसे ही हमें यहाँ पे ये पूरा यहाँ से ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे जब ये पॉइंट आया तो यहाँ से हमें इस तरफ से क्रॉस लेना है। एक जगह बची तो आप ऐसे ही क्रॉस लाइन बना लो, फिर यहाँ से ऐसे
तो ये बन गई क्रॉस लाइन, फिर से हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है हमने लाइन कंप्लीट कर ली, ओके। फिर अब हम नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो कि जब रिंग होती है तो ऐसे हम डॉट्स बनाते हैं ना कोई पिक्चर में, कोई भी पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से क्रॉस। तो आपको ये, आप ये जो स्केल है, आप स्केल को ऐसे क्रॉस में रखोगे और फिर इस तरह से डॉट ऐसे लाइन बनाओगे। ओके, लेकिन जो बीच का गैप है वो आपको सेम रखना होगा। ओके, बन गया ये। हमें कुछ कुछ लाइनें सिर्फ इनमें बनानी है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। पिक्चर में हमें छोटी छोटी लाइन्स दी है मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी लाइन बना दी है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। जो हमारा लाइन्स मतलब स्टैंडिंग, स्लीपिंग, वेव्स, क्रॉस लाइन, दोनों क्रॉस लाइन और ओके, तो ये सभी लाइंस हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सीख ली है। लेकिन पहले जब भी आप लाइन बनाओ तो आपको पहले पेंसिल बहुत ही लाइटली चलानी है, ताकि कुछ भी अगर गलत हुए तो आप इजीली रफ कर सकते हो। अगर आपने डार्क पेंसिल चलाई होगी तो आप रफ नहीं कर पाओगे, उसके जो मतलब पेंसिल आपने बहुत डार्क चलाई होगी तो उसके जो क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल का निशान रह जाएगा उसमें। अगर आपने लाइट पेंसिल चलाई होगी तो आपको रफ करने में बहुत ही इजी रहेगा। ओके, और ये चारों बॉक्स आपको कंप्लीट करने के लिए स्केल से ही आपको ये कंप्लीट करना होगा। ओके, अगर आपसे स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन नहीं बन रही है पहले, तो आप अपनी रफ बुक में स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में ये आप ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो आज हमने ये स्केच सीखे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट ड्राइंग सीखेंगे।